अकबर नहीं था हुमायूं का पुत्र, अकबर था एक हिंदू का पुत्र। जैसे कि आप अकबर को जानते ही हैं और उनके कारनामों के बारे में सुना या पढ़ा ही होगा। अकबर को वामपंथी इतिहासकार हुमायूं का पुत्र बताते चले आ रहे हैं, ये भी ठीक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में उमरकोट में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान के किसंधी में है। बता दें कि ये इलाका उस समय भारत में ही था और 1542 में इस इलाके राजा वीरसाल थे। वीरसाल एक हिंदू राजा थे। दरअसल हुमायूं दिल्ली में राज कर रहा था। यहां उसका युद्ध शेर शाह सूरी से हुआ था। ये युद्ध 1539 में हुआ था और ये युद्ध बिहार के बक्सर में हुआ था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फिर दिल्ली पर शेर शाह सूरी ने शासन किया। हालांकि ये युद्ध 1540 में खत्म हुआ था और हुमायूं दिल्ली छोड़कर पहले अफगानिस्तान वाले इलाके और फिर ईरान भाग गया। 15 साल तक हुमायूं ईरान में रहा, जबकि उसकी पत्नी हमीदा बानू बेगम राजा वीरसाल के राज्य में संधि में रही। 1540 में हुमायूं अपनी बेगम से दूर हुआ था और उसके 2 साल बाद यानी 1542 में हुमायूं का जन्म हुआ था। इन बातों से साफ होता है कि अकबर हुमायूं का पुत्र हो ही नहीं सकता। जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि अकबर वीरसाल के राज्य में से किसी हिंदू का था या हमीदा बेगम के किसी करीबी का पुत्र था, लेकिन हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इस बात को बिल्कुल छुपा ही लिया। बताते चलें कि 1540 के बाद भी अकबर का जन्म 1541 में भी हुआ होता तो माना जा सकता था, क्योंकि जब हुमायूं अपनी पत्नी से दूर हुआ था तब उसकी बेगम गर्भवती थी। लेकिन अकबर का जन्म 1542 में हुआ था तो मुमकिन ही नहीं है कि अकबर हुमायूं का पुत्र हो।